नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे मेरे फ्रेंड्स। और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। और आज अपन जो एक नया टॉपिक जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा अपना कि RPS असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी इंटरव्यू हाल ही के अंदर होने वाला है, क्योंकि अपन देखें भी तो दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया है। एक तो मिलिट्री साइंस का निकाल दिया है और एक म्यूजिक वाले का शायद निकाल दिया है। उन दोनों सब्जेक्ट में उन्होंने ऑनलाइन जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगा है कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करके आप RPSC को भेज दीजिए। तो हो सकता है इस बार का जो मेथड है, पहले देखो लास्ट बार क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरवाए थे, उसकी दो कॉपी देनी होती है अपने को। तो वो दो कॉपी जो है वो जैसे RPSC में इंटरव्यू देने आप जाते हो उसी के साथ में आपको लेके जाना होता है। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए ऊपर जो है वो चैम्बर में या पैनल बोर्ड के पास में भेजा जाता था। इस बार इन्होंने क्या किया है कि जैसे अपन देखते हैं डम्मी कैंडिडेट्स हैं, उनके सर्टिफिकेट्स हैं, वो डिग्री फर्जियाँ डिग्री हैं या कई ऐसे कारण हो सकते हैं। इसमें तो वैसे भी कई कारण हैं कि हो सकता है आपके MSc कंप्लीट नहीं हो, आप क्वालिफाई कर रहे हो, या हो सकता है आपके पास नेट है, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर ली हो, तो आप वैसे एलिजिबल तो हो नहीं, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगे जाएंगे। और उसमें अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, अदरवाइज कॉल नहीं किया जाएगा। तो ये मेथड इन्होंने कुछ अपडेट किया है। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अभी भेजने होंगे, और अभी बहुत कम टाइम आपके पास बचा है कि डॉक्यूमेंट अभी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, मतलब आपको रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी, कट ऑफ आते ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो मंगवा लेंगे। तो यहाँ पे आज का अपना जो सेशन रहेगा वो रहेगा कि जो भी कैंडिडेट जिनको लगता है कि उनका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, लगभग अपन मान सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में हो 100 से अबव जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं, अदर सब्जेक्ट में हो सकता है नीचे भी हो, लेकिन अपन लोकल नॉर्मल सब्जेक्टों की बात कर रहे हैं, तो किसी भी कैंडिडेट को अपनी कैटेगरी और अपने सब्जेक्ट में लग रहा है कि उसका इंटरव्यू कॉल आ रहा है, दैट मीन्स उसको ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करके रख लेने चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी भी भर सकते हो और इंटरव्यू कॉल आने के बाद में भी भर सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसका सेपरेट वीडियो भी अपन बना देंगे, हालांकि एक पहले मैंने डाल भी रखा है। तो अपन देखेंगे इसमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 10th क्लास की तो सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको सबसे पहली जो वहाँ चेक की जाएगी वो आएगा 10th क्लास की मार्कशीट और उसके साथ में जो सर्टिफिकेट आता है, आजकल तो वैसे उसके साथ ही सर्टिफिकेट आता है तो अलग नहीं लेना है आपको, तो साथ ही आएगा 12th क्लास की जो मार्कशीट है। यहाँ पर अपन देखेंगे इसमें मार्कशीट जो है वो छोटी आती है और सर्टिफिकेट अलग आता है। हालांकि अभी का अगर अपन देखेंगे तो इसमें भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों के आते हैं साथ आने लगे हैं, तो किसी के साथ है और किसी के नहीं है तो वो अपने स्कूल से निकलवा लें, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तो जो भी आपकी ग्रेजुएशन रही है, BSc या BA रही है, उसकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इनकी आपको ओरिजिनल मार्कशीट तीनों की और आपकी डिग्री, जो यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलती है वो वाली चाहिए ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी। एक चीज़ इसमें है, किसी कैंडिडेट की अभी हाल ही के अंदर MA और मतलब BA और BSc कंप्लीट हुई है, डिग्रियाँ प्रिंटेड नहीं हुई है, तो वहाँ यूनिवर्सिटी में आपको इसके बदले में क्या मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, वो वहाँ से निकलवा लेंगे आप लोग, ठीक है ना, वो निकलवा लेना आप लोग। आगे अपन देखेंगे सेम, यहाँ पे अपन देखेंगे MSc या MA मतलब मार्क्स मास्टर डिग्री अपन देख सकते हैं, तो मास्टर में देखेंगे 2 साल की हो सकती है आपकी MSc प्री या MSc फाइनल, या फिर नए जो आजकल चल रहा है सेमेस्टर वाला सिस्टम, तो सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर होते हैं आपके, तो सेमेस्टर मार्कशीट 4 मार्कशीट चाहिएगी आपको, चारों होनी चाहिए आपके पास, और दोनों जो ईयर वाइज है तो दोनों की होगी, उनकी मार्कशीट होनी चाहिए, उनकी डिग्री होनी चाहिए, और उनके साथ में अगर डिग्री नहीं आपके साथ में तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। एक अपन देखेंगे कि नेट सर्टिफिकेट, तो नेट सर्टिफिकेट CSIR नेट, अगर साइंस के हैं तो CSIR नेट होनी चाहिए, अगर आर्ट्स के हैं तो UGC नेट होनी चाहिए या फिर SAT होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं आपको कॉमन बता दूं, अभी किसी ने एक मैसेज करके अभी भी पूछा था कि इंटरव्यू के अपने सब्जेक्ट के इंटरव्यू तक वैलिड होती है नेट की पास करना ज़रूरी है, या फिर इंटरव्यू जहाँ से स्टार्ट हुआ उसका फर्स्ट डे से, तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, इंटरव्यू जो स्टार्ट हो चुके हैं जिसकी इंटरव्यू की पहली डेट आई है, जैसे अभी आई थी ये 28 तारीख को या 27 तारीख को आई थी पहली, तो 27 से पहले पहले जिस कैंडिडेट के पास में नेट क्वालिफाई है वो ही यहाँ पर क्या होगा, एलिजिबल होगा,
ऐसा नहीं है कि आपकी सब्जेक्ट, हो सकता है पता नहीं कब आएगी, तब तक नहीं, इंटरव्यू जिस दिन जिस डेट से पहला इंटरव्यू स्टार्ट होता है उसी डेट को माना जाता है, उस तक आपकी नेट क्वालिफाई होनी जरूरी है, ठीक है। पीएचडी अगर हो तो बेस्ट है, ठीक है, वो आपके वहाँ पर रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है आपको, वहाँ पे आपकी एक छोटी सी स्लिप बनती है डॉक्यूमेंट की, जो भी आप डॉक्यूमेंट दोगे उसकी एक छोटी सी स्लिप बनती है, और वो स्लिप जो है जो आपके पैनल सामने बैठा होता है इंटरव्यू के टाइम पे उसके पास में जाती है, और वो वहाँ उस चीज़ को देखता है कि इसके पास क्या क्या है, इसके पास JRF है, इसके पास नेट है, इसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये PhD होल्डर है, क्या क्या कंडीशंस है, वो सभी उसके पास पहले से स्लिप रहेगी, तो जो चीज़ें आप वहाँ बताओगे वही स्लिप आगे अंदर पहुंचती है, और उसी को देखते हुए अगले आपसे क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये एक ऐसी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की जिसमें टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपके पास किसी कॉलेज का, कॉलेज में आपने पढ़ाया है MSc BSc को, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो वहाँ आप लिखवाते हो, जैसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ उसमें भी लिखेंगे, और वहाँ पे जो वो वापस पूछेंगे तो वहाँ पर भी आपको बताना है, ताकि वो आगे जब इंटरव्यू पैनल में आपको भेजा जाए तो वहाँ पर वो टीचिंग काउंट हो सके, आपको टीचिंग का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपको। अगर कोई 10 नंबर देने वाला है, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपने पढ़ाने का तरीका अच्छा, वहाँ पर बोर्ड में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा पढ़ाया हुआ है, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगला सर्टिफिकेट अपन देखेंगे, तो कॉमन जो सर्टिफिकेट आपके, जैसे कोई मैरिड है तो मैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनमैरिड है तो यहाँ पर उसका एफिडेविट होना चाहिए, दोनों कंडीशन है, मैरिड है तो मैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड का सर्टिफिकेट हो, और मैरिड सर्टिफिकेट अगर नहीं है कोई की करंट में शादी हुई है तो वो एफिडेविट लगाना आपको पड़ेगा, यहाँ पर आपको एफिडेविट बना लेना कि इतनी इतनी तारीख को मेरी शादी हुई थी, आपकी वाइफ का नाम, आपके गांव, आपके ससुराल, जो भी आपके पेरेंट हैं उनका नाम, वो एफिडेविट बना देगा आपको नोटेरियल वाला। तो ये होगा एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए जो करंट का होना चाहिए, 6 महीने के आसपास का होना चाहिए, एक आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं, वो भी आपका होना चाहिए, वो भी करंट का होना चाहिए, 6 महीने के पहले का ना हो सके वहाँ तक, OBC चाहे कोई भी कैटेगरी हो तो 6 महीने के पहले का ना हो, वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे अपन देखेंगे आधार कार्ड ओरिजिनल भी होना चाहिए, फोटोकॉपी भी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी वो भी होनी चाहिए, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, उसका भी आप एक्स्ट्रा लेके जाना फ़ोटो, हो सके तो 5-7 फ़ोटो लेके जानी है आपको। अब देखेंगे अपन कि आपके कौन से एफिडेविट जो है वहाँ पर जो मांगे जाते हैं या फिर आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले अपन देखते हैं 10th मार्कशीट, 10th मार्कशीट की आपका नाम जो भी है, हिंदी इंग्लिश, फादर नेम मदर नेम जो भी है, अगर वो नाम किसी भी मार्कशीट में चेंज होता है, स्पेलिंग में चेंज होता है, कोई लेटर में चेंज होता है, या लेटर के बीच में गैप आता है, ऐसा कुछ भी हो, सरनेम में चेंज होता है, ऐसा कुछ भी हो, तो उन सब का आपको क्या बनाना है, एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है ना, कि मेरे ये नाम है। पॉइंट वाइज एक एफिडेविट भी दे सकते हो आप, ठीक है ना, एक कॉमन एफिडेविट आप बना सकते हो जिसमें पॉइंट वाइज, पॉइंट पहला कि मेरा नाम ये है, जबकि कुछ डॉक्यूमेंटों में मेरा नाम ये दिया हुआ है, दोनों मेरे ही नाम है। फिर आप कहोगे कि मेरे पिताजी के सरनेम में चेंज है, तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटों में, और अगर एक आध हो तो नाम भी लिख सकते हो, 10th की मार्कशीट में मेरे पिताजी का सरनेम ये है, जबकि दूसरे BSc की जो मार्कशीट है उनमें मेरे पिताजी का सरनेम नहीं है, तो दोनों मेरे पिताजी के ही नाम है, तो दोनों को मान्य किया जाए। तो ऐसे पॉइंट जो है एक ही एफिडेविट के ऊपर ऐसे पॉइंट बनाकर डलवा सकते हो, और सभी के लास्ट में वो लाइन जो होती है वो कॉमन लिख देंगे कि इसके अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा, वो एफिडेविट बना देगा आपको, ठीक है ना। एक डॉक्यूमेंट का लास्ट एफिडेविट आपको बनाना है, उसमें लिखना है कि मेरे द्वारा RPSC के इंटरव्यू के दौरान प्रस्तुत किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि, किसी भी प्रकार की चालाकी, किसी भी प्रकार की गलती या कोई भी फ्रॉड पाया जाता है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा या होंगी, और RPSC या गवर्नमेंट जो भी मुझे कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर करेगी उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा, या जो भी कंडीशन है वो नोटरी वाला अपनी लैंग्वेज होती है वो लिख के दे देंगे आपको, ठीक है ना। एक ये बच्चों का, अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं और आप मैरिड हो तो भी आपको लिखना है, अगर आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं तो भी उनका सर्टिफिकेट एक एफिडेविट बना के लेके जाना कि मेरे ये 2 बच्चे हैं और इतने इनके जन्म हुआ, ये तारीख है, ठीक है ना, ये भी लिख देना। और एक आपका अगर आप डाइवोर्सी हो, PH है कोई,
हैंडीकैप्ड है, ऐसी कोई भी जो फेवरेबल, ये मतलब अनफेवरेबल वाली कंडीशंस हो, ऐसी कोई भी कंडीशन हो, तो उनका भी एफिडेविट आपके पास में होना चाहिए कि ये मेरे साथ कंडीशंस है और इस कंडीशन से मैं आया हूँ, ये सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। तो ये सभी हो गई। अब आपको डॉक्यूमेंट के, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आपको दो सेट तैयार कराने हैं। कितने? दो सेट तैयार कराने हैं आपको, ठीक है ना। सभी को डॉक्यूमेंट को देखते हुए दो सेट करा लेना, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी भी आपको दो कॉपी जो है वो बना लेनी है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की दो कॉपी बना लेनी है। कॉपी के फर्स्ट पेज के ऊपर ₹50 का जो ड्राफ्ट बनता है, डिमांड ड्राफ्ट बनता है, तो पोस्टल ऑर्डर आता है वैसे, डिमांड ड्राफ्ट क्या बनता है, पोस्टल ऑर्डर जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है आपको ₹50 का, वो ले लेना है। एक ही चाहिए आपको ना, कितने रुपए का, ₹50 का पोस्टल ऑर्डर, केवल एक ही होना चाहिए। दो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होने चाहिए, ये कितने होने चाहिए, दो, ये दो होंगे, लेकिन एक के ऊपर लगाना ओरिजिनल के ऊपर, एक तो उसकी कॉपी रहेगी, ठीक है, तो ओरिजिनल के ऊपर लगा लेना। दोनों को आपको हैंड राइटिंग से भरना, अपनी राइटिंग में भरना, कोशिश करना किसी से दूसरे से ना भरवाएं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटों को भी सेम ऐसे ही करना है, दो कॉपी लगानी है, इनके पीछे लगानी है, दो सेट तैयार करने हैं। और सभी डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आपको खुद को अटेस्टेड उनको करना है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको रेडी करके रखने हैं। आपके सेट या यूजीसी नेट या जो भी सीएसआईआर नेट आपकी जो भी है, खास तौर से साइंस वालों को तो सीएसआईआर नेट की आवश्यकता पड़ेगी। नेट कब तक होनी चाहिए, इंटरव्यू स्टार्ट होने के फर्स्ट दिन तक आपकी नेट होनी चाहिए, तो आप वैलिड हो, अदरवाइज वैलिड नहीं होंगे आप। तो ये चीज़ें हैं। फिर भी कोई डाउट आपको रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म निकाल कर कैसे उसको फिलअप करना है, ठीक है। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।